रे में किसी का भी रहना खतरे से खाली नहीं। तुम लोगों के घर में आत्मा है। हकीकत तो यही है कि उसने इस लड़की की चीखों में छिपे दर्द। कार्तिक आर्यन को खुद की फिल्म पर क्यों लगाना पड़ रहा है पैसा? आखिर कार्तिक की तारीफ क्यों की भूषण कुमार ने? कब रिलीज होगी भूलभुलैया 3? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनी कजरियाल। दोस्तों, आजकल कार्तिक आर्यन अपनी भूलभुलैया 2 की सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। वहीं फिल्म मेकर भूषण कुमार ने बड़े बड़े एक्टर्स की बढ़ती हुई फीस और इसका फिल्म पर इफेक्ट पड़ना भी बताया कि किस तरह से फिल्में प्रभावित होती हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर इस मामले में कितने ज़्यादा हेल्पिंग है। आपको बता दें, हाल ही में दोनों भूलभुलैया 2 में साथ काम करते नजर आए। इस फिल्म में तब्बू और कियारा भी थे और इसके बाद कहा गया कि कार्तिक ने अपनी फीस बढ़ा दी है और हर फिल्म के लिए अब वो 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। वहीं भूलभुलैया 2 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक्टर्स को अपनी फीस फिल्म के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए, उन्हें थोड़ा हेल्पिंग होना चाहिए। कार्तिक हमेशा से ऐसे रहे हैं, हमारी अगली फिल्म भूलभुलैया 3 के लिए भी वो ऐसा कर रहे हैं। और वहीं शहजादा वो कर रहे हैं जिसके लिए कार्तिक ने खुद अपने पैसे लगाने की बात की है और फाइनेंशियली हेल्प करने की बात की है। कार्तिक आर्यन की बहुत ज़्यादा तारीफें की और साथ ही कहा कि जल्द ही वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में साथ काम करेंगे। वहीं शहजादा की बात करें तो कार्तिक के साथ कृति सेनन नजर आएंगी। रोहित धवन की ये फिल्म है जो कि टी सीरीज फिल्म बना रहे हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म थी और शहजादा उसका ही रीमेक है, यानी कि अला वैकुंठपुरम लो का हिंदी रीमेक है। इसके अलावा भूलभुलैया 3 की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं क्योंकि भूलभुलैया सुपर डुपर हिट रही है। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको कार्तिक? कितना इंतजार है भूलभुलैया 3 का? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।